सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नाइजीरिया के एडिलियन जोसेफ उवाफिया 290 के टोटल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। स्नैच में थोड़ी सी इनकी अनुभव की कमी नजर आई। मनीष पहले दो असफल अटेम्प्ट रहे थे, तीसरा खुश नसीब थे कि सफल अटेम्प्ट रहा जिसकी वजह से प्रतियोगिता में बने रहे और उसके बाद टीम एनजीओ के प्रयासों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बहुत मुबारक नेवो इवाने को, गेम्स रिकॉर्ड कायम किया है इन्होंने, टीम एनजीओ में सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। और स्नैच थोड़ा सा वीक इवेंट है नेवो इवाने का, मुझे यकीन है कि जब समीक्षा करेंगे ये अपने प्रयासों की तो देखेंगे कि स्नैच में बेहतर करना होगा। 33 वर्षीय वेट लिफ्टर अनुभव का निचोड़, आखिरी अटेम्प्ट निष्फल रहा, 8 किलो बढ़ाया था और अब जो नाम हर जुबान पर है ये वो शख्स कद में छोटे लेकिन आज बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, देखने में छोटे लगे लेकिन वेट लिफ्ट करे गंभीर, भारत के वेट लिफ्टिंग सुपरस्टार पोस्ट बॉय, भारत की वेट लिफ्टिंग का वर्तमान और आने वाला कल 19 वर्षीय कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जेरेमी लाल रिनुंगा एक कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ आज खड़ा है 67 केजी के इस कॉम्पिटिशन के शिखर पर। ये मुस्कुराहट गोल्ड मेडल की मुस्कुराहट है और ये तस्वीर हम जिंदगी भर याद रखेंगे। भारत राष्ट्रपति शान दिख रही है बर्मिंघम इंग्लैंड में इस 19 वर्षीय गोल्ड मेडलिस्ट की वजह से। ये मुस्कुराहट, ये आत्मविश्वास, ये नए भारत का प्रतीक है और आज इन्होंने एक और गोल्ड मेडल दिया है भारत को। जेरेमी लाल रिनुंगा ये नाम आगे आने वाले वर्षों में वेट लिफ्टिंग की दुनिया में इस नाम की गूंज कई बार सुनाई देगी।